लहसुन एक ऐसा मसाला है जो औषधीय गुणों से भरपूर है। यह देश भर में सब जगह मिलने वाला मसाला है। लहसुन में फास्फोरस, मैग्नीशियम, कैल्शियम और एंटीऑक्सीडेंट और बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। यह दिल की बीमारियों से बचाता है। यह कोलेस्ट्रॉल लेवल को ठीक करता है, त्वचा में होने वाली बीमारियों को ठीक करने का कार्य है यह करता है। इसमें एंटीबैक्टीरियल और एंटीफंगल गुण भी पाए जाते हैं और यह खून को भी साफ करने का कार्य करता है। इसका इस्तेमाल खाली पेट करना चाहिए। आयुर्वेदिक चिकित्सक डॉक्टर राघवेंद्र चौधरी रंजीत सिंह मेमोरियल क्लिनिक खेकड़ा जनपद बागपत में चलाते हैं और इन्हें कई वर्षों का अनुभव भी है। इन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि लहसुन एक ऐसी औषधि और सब्जी है जिसका इस्तेमाल करने से आप शरीर से संबंधित सभी बीमारियों से अपने आप को बचा सकते हैं। इसमें फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम व अन्य जरूरी पोषक तत्व मौजूद होते हैं जो शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। लहसुन का इस्तेमाल आप खाली पेट कर सकते हैं, सब्जी में कर सकते हैं, चटनी में कर सकते हैं व अन्य कई प्रकार से भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके इस्तेमाल के साथ ही शरीर पर चौंकाने वाले फायदे मिलते हैं। यह दिल की बीमारियों से बचाता है, कोलेस्ट्रॉल के लेवल को मेंटेन करने में मदद करता है, त्वचा संबंधी समस्याओं और खून को साफ करने में भी मदद करता है। एंटीबैक्टीरियल और एंटीफंगल गुणों से भी यह भरपूर है जो स्वास्थ्य में तेजी से फायदा पहुंचाता है। डॉक्टर राघवेंद्र चौधरी ने बताया कि लहसुन का इस्तेमाल बहुत ही आसानी से किया जा सकता है। लगभग सभी रसोई में यह मिलता है। आप इसका इस्तेमाल सब्जी में डालकर कर सकते हैं, सुबह खाली पेट पानी के साथ कर सकते हैं और चटनी बनाकर भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे चौंकाने वाले आपके शरीर पर फायदे मिलेंगे। इसके औषधीय उपयोग में अगर इसकी बात की जाए तो इसके अंदर बहुत सारे गुण होते हैं। इसके अंदर जो मुख्य चीज़ें उपलब्ध हैं वो फास्फोरस, मैग्नीज, कॉपर, कैल्शियम और उसके अलावा कई सारे विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। इसका बहुत अच्छा उपयोग जो है वो हमारे दिल की बीमारियों से बचने के लिए किया जा सकता है। जैसे आजकल के परिप्रेक्ष्य में हार्ट अटैक वगैरह ज़्यादा आ रहे हैं, तो हार्ट अटैक होने का कारण एक जो है वो ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना है। ये कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करता है। उसके अलावा इसका प्रयोग जो है वो हमारी खाल से होने वाली बीमारियां हैं, जो खाल में जो बीमारियां हो जाती हैं, त्वचा में होने वाली जो बीमारियां हैं उन पर भी इसका अच्छा उपयोग किया जा सकता है। ये एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल का भी काम करता है। इसके प्रयोग से जो होने वाली एंटी इसके अंदर जो प्रॉपर्टीज होती है एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल, वो त्वचा को भी सुधारने का काम करती हैं। इसके अलावा ये हमारे हार्ट को मजबूत करने के साथ साथ में हमारे लीवर और हमारे ब्लड को भी प्यूरीफाई करता है, बॉडी को भी हमारे प्यूरीफाई करता है। और इसका उपयोग मुख्यतः जो है वो सुबह खाली पेट करना चाहिए। और अगर किसी को उससे एसिडिटी होती है, क्योंकि एक तासीर इसकी बहुत गर्म होती है, तो इसको रात को आप पानी में भिगो कर रख दें और सुबह खाली पेट उसको खा लें तो ये बहुत अच्छा काम करता है। अब इसकी उपलब्धता इतनी ज़्यादा है तो इसको हम किसी प्रकार से कभी भी यूज़ कर सकते हैं।